पास है। लीजिए, जैसा कि समिति का निर्देश का पालन करते हुए हनुमान जी की पूंछ जली या नहीं, इसी बात को ध्यान में रखते हुए हनुमान जी महाराज ने लंका जलाई, मगर हनुमान जी महाराज की पूंछ नहीं जली, क्योंकि उस पूंछ में माँ सती का वास था, माँ भगवती का वास था। यही बात है। छोटी सी रचना, बात उस समय की, राजा जनक और माता सुनैना अपनी बेटी सीता को विदा करते हैं, और मेरी माता बहने सुन रही है। जब घर से बेटी विदा होती है तो लोग कहते हैं कि पत्थर भी पिघल जाता है। एक मिनट भैया। हाँ, एक नन्ही सी बालिका मेले में घूम चुकी है। ये बालिका बजरंग मंदिर पे आ चुकी है। जिस भी सज्जन की हो वो अति शीघ्र मंदिर से ले जाए। बालिका बहुत बिलक रही है। विशेष सूचना, जिस भी सज्जन की, जो भी बहन भाई की बेटी हो, वो हमारे मंदिर के प्रांगण में है। आप मेले में ना ढूंढकर मंदिर में आकर अति शीघ्र ले जाएं बच्ची को। धन्यवाद। चालू करें भैया। तो आज राजा जनक और माता सुनैना अपनी बेटी सीता को ससुराल विदा करते हैं, और देखिए जब बेटी अपने घर से विदा होती है तो माँ बाप के दिल में क्या बीतती है, यही कथा आपकी सेवा में पेश है। देख पिता का कलेजा कांपे, माँ की ममता रोती है, बेटियां अपनी नहीं बेटियां पर छोड़ चली।
और छोड़ चली अंगना, जी अपने ससुराल जा रही है। उधर माता सुनना आंखों से नीर बहाती और क्या कहना है, और छोड़ चली अंगना, छोड़ चली एक तरफ सजना छोड़ चली अंगना, कहने लगी तो जा सबकी दुआएं लेती जा तुझको खुशी का प्यार मिले और माँ बाप से ज्यादा उस घर में सास ससुर का प्यार, जा माँ की दुआएं लेती जा तुझको खुशी का का